2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में राज्य की तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है चुनाव को लेकर कमर कस चुकी है। तमाम सत्ताधारी दल या विपक्ष, तमाम दलों के द्वारा जो है संगठन को मजबूत बनाने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि मैं अभी खड़ा हूं राजधानी पटना में, जहां आरजेडी का कार्यालय है। इस आरजेडी कार्यालय में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। ये कार्यशाला युवा प्रकोष्ठ के द्वारा किया जा रहा है। 21 एवं 22 सितम्बर 2 दिनों तक कार्यालय में जो है प्रशिक्षण चलेगा और प्रशिक्षण में जो आगे की रणनीति तैयार की जाएगी उस राजनीति के तहत जो युवा प्रकोष्ठ के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो कार्य करेंगे। और यहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, साफ तौर पे बैनर पे लिखा है युवा राष्ट्रीय जनता दल बिहार कार्यशाला 2 दिनों तक, यही कार्यशाला 21 एवं 22 सितंबर को चलेगा। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं ये आरजेडी कार्यालय के बाहर का ये नज़ारा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो युवा के जो छात्र नेता हैं, जो युवा के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और अंदर में जो है कार्यशाला चल रही है। हालाँकि अंदर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं कि आरजेडी के द्वारा किस तरह की रणनीति तैयार की जा रही है। सर, किस तरह का आप लोग का बैठक है? देखिए, ये जो बैठक है एक कार्यशाला है, इसमें जितने युवा राजद के हमारे साथी हैं उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि भाई कैसे एक अच्छी तरह से राजनीति किया जाए, बिहार का विकास कैसे किया जाए, डेवलप बिहार का जो सपना देख रहे हैं ना लोग, बिहार के लोग, उसे कैसे पूरा किया जाए। इसके लिए हर क्षेत्र से बड़े बड़े विद्वान आ रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, JNU से आए हैं और जितने भी उस क्षेत्र में, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो ज्ञाता हैं, जो ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं, उन्हें बुलाया गया है युवा राजद के साथियों को प्रशिक्षण देने के लिए। युवाओं की प्रशिक्षण चल रही है? हाँ, युवाओं की प्रशिक्षण चल रही है, क्योंकि देखिए जब तक युवा मजबूत नहीं रहेगा तो राजनीति मजबूत नहीं होगी और नहीं तो बिहार विकास कर पाएगा। इसलिए युवा को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे एक सही डायरेक्शन में ले जाया जाए, इसी पे ही कार्य हो रहा है। क्या ये नहीं लगता है कि युवा को मजबूत किया जा रहा है? चूँकि कहा जाता है कि देश आज युवा की रीढ़ होती है, तो ऐसे में हर संगठन युवा पर आजकल विशेष ध्यान दे रही है और आप लोग को प्रशिक्षित किया जा रहा है आगामी चुनाव को लेकर? हाँ, देखिए कहा जाता है कि हमारा इंडिया में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है युवाओं का है, ठीक है ना, जो पॉपुलेशन है, तो यदि हमें अपने इंडिया को यदि विकसित बनाना चाहते हैं तो युवाओं पर जोर देना होगा। और युवा यदि अच्छा से काम करे, युवा की अधिक समझदारी बने, युवा अच्छा एक विकास की ओर ले, युवा ही ऐसा चीज़ है जो युवा ही ऐसा है, कर सकता है कि बिहार को, इंडिया को देश विकास ले जा सकता है आगे। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, युवा ही से देश चल सकता है। सर, आप लोगों का जो कार्यशाला चल रहा है, किस तरह का कार्यशाला है, किस तरह से प्रशिक्षित आप लोगों को किया जाएगा, क्या ये माना जा सकता है कि आगामी चुनाव की तैयारी है? जी बिल्कुल, हमारा जो युवाओं का है उसको परीक्षा दिया जा रहा है। इसमें क्या है कि हमारा जो भी युवा है उनको प्रोत्साहित किया जाएगा किस टाइप से काम करना है और जो भी है, क्योंकि अभी हमारा युवाओं का चल रहा है तो जो भी है आपको देख लीजिए कि युवा काम करेगा तभी आगे बढ़ेगा, क्योंकि बिहार में युवाओं का भी बहुत ज़्यादा ये है। तो इसीलिए हम 2 दिवसीय कार्यशाला रखा गया है, तो इसमें अभी राजनीति कैसे करना है, क्या करना है, सब इसमें दिया जा रहा है, प्रशिक्षण बांटा जा रहा है कि इसको आगे इसको सीख के कैसे करना है। क्या लगता है कि आज की जो हालिया स्थिति है उसमें बिहार सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उसमें युवाओं को कितनी भागीदारी है, युवाओं को कितना फ़ायदा हो रहा है इन सरकारों से? देखिए, युवाओं को अगर आप देखिए तो हमारे सरकार से ही फ़ायदा है और जो अभी जो सरकार चल रहा है इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अब बोल रहा है कि नीतीश जी जॉब दिए हैं, अभी जो जॉब हुआ है तो इसमें तेजस्वी यादव जी थे तभी तो जॉब हुआ, क्योंकि अभी है ना, अभी दो लेके चल रहे हैं, दो उप मुख्यमंत्री लेके चल रहे हैं, क्या है, कहीं पे कोई देख लीजिए कोई एक्टिविटी दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। और जब हमारे तेजस्वी भैया थे तब देखिए क्या था एक्टिविटी और क्या माहौल था, और अभी देख लीजिए अभी तो और जंगल राज स्टार्ट हो गया है, जब थे तेजस्वी भैया तब कहीं कुछ नहीं चल रहा था और अभी देखिए केवल जंगल राज ही है। ये कार्यशाला किनके निर्देश पर चलाया जा रहा है? कार्यशाला हमारे अध्यक्ष जी महोदय हैं, वो रखे हैं मीटिंग। तो अध्यक्ष महोदय के निर्देश पर यह कार्यशाला चल रही है और इनसे जानते हैं सर, इस कार्यशाला में लोग कहां कहां से आए हैं? सभी जिला से जिला अध्यक्ष जी आए युवा के और यदि महिला प्रकोष्ठ के सभी जिला अध्यक्ष आए और एक उद्देश्य कि हम लोग युवाओं को कैसे 25 में
तैयारी करना, उस आदेश पे दो दिवसीय शिविर लगाया गया। दो दिवसीय शिविर चल रहा है सर, क्या लग रहा है कि जिस तरह से ये शिविर चल रहा है आप लोगों का कार्यशाला, कितनी आप लोगों की इससे फ़ायदा होगी और आरजेडी को कितना फ़ायदा होगा? आरजेडी को बहुत फ़ायदा होगा सर, आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में बहुत फ़ायदा होगी, तेजस्वी यादव की जीत होगी सर। किस तरह से कार्यशाला में आप लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है? प्रशिक्षित अच्छा किया जा रहा है सर, सिखाया जा रहा है सबको, प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जी। और भी कोई लोग आ गए? अभी तो सब लोग आए सर, अभी तो आ ही रहे हैं सब, स्वागत है सबका। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है और इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के कई विद्वान जो हैं वो आरजेडी कार्यालय में पहुंचेंगे और जो युवा हैं उन्हें प्रशिक्षित करने का काम करेंगे। कई और ऐसे लोग हैं, इनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से सर आप लोगों का प्रशिक्षण चल रहा है, क्या लगता है कि आप लोगों का प्रशिक्षण कितना सफल होगा आरजेडी के लिए? देखिए आरजेडी का जो है ना, जो आज युवा राष्ट्रीय जनता दल का दो दिवसीय कार्यशाला चल रहा है, ये आगाज हो गया है 2025 में नीतीश कुमार का युवा राष्ट्रीय जनता दल गद्दी छोड़ा के रहेगा। प्रशिक्षण दिया जा रहा है किनके द्वारा? युवा राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश अध्यक्ष है, दिल्ली से भी टीम है, सारा मतलब 7-8 टीम के धरना मतलब कार्यशाला का सारा डिटेल में बताया जा रहा है। तो क्या लगता है कि ये जो आप लोगों की युवाओं की जो आज बैठक चल रही है, जो कार्यशाला चल रहा है, ये 2025 की चुनाव की तैयारी है? हाँ, 2025 के हम लोग का चुनाव का तैयारी है। आप ये बताइए कि आज की सरकार और जब लालू राज थी या फिर जिस समय नीतीश के साथ आपके तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री थे, उस सरकार में और अभी के सरकार में क्या कुछ अंतर नज़र आ रहा है युवाओं को लेकर? देखिए ये तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, युवा विरोधी सरकार है। आज सरकार जो महागठबंधन की सरकार जब बनी तेजस्वी जी की, आप देखे होंगे 4 लाख नौकरियां बहाली हुई। आज देख लिए भ्रष्टाचार कितना चरम पद पे है, मतलब सड़क पे लोग सही ढंग से चल नहीं पा रहे हैं। कल रात में 9:30 बजे भीमपुर मुखिया है ना, उनकी हत्या हो गई। हम लोग आ रहे थे, रोड जाम था, बेचारे 3 बार से मुखिया था, बेलगाम सरकार के मतलब पुलिस पस्त है। आज भी सुबह में पटना में एक युवक की हत्या हुई। अरे भाई ये तो लगातार हो रही है, तो ये कह रहे हैं पूरे बिहार में प्रत्येक दिन कम से कम 50-100 घटना होती है। नीतीश कुमार कान पर के सोए हुए हैं, इनकी पुलिस मस्त है माल तसलने के लिए, माल युवा तख्ता पलट देगी एकदम श्योर, बदलना ही है। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि जो आरजेडी के युवा प्रकोष्ठ के लोग हैं, इनमें खासा सरकार को लेकर नाराजगी है और कहा जा रहा है कि जिस तरह से आज जो सरकार है वो पूरी तरह से विफल है, युवाओं के हित के बारे में कुछ भी नहीं सोच रही है, जिसका परिणाम आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा। चूँकि जिस तरह से आज युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है, देश के कई राज्यों से बड़े बड़े जो विद्वान हैं उनके द्वारा जदयू के युवा प्रकोष्ठ के युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है चुनाव को लेकर के, और इस बार इस जो इनका कहना है कि निश्चित रूप से ही प्रशिक्षण के बाद आरजेडी को काफ़ी फायदा होगा और इसका खामियाजा सरकार को 2025 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। दर्द न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।